तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और आज मैं निकल रहा हूँ अपना लैपटॉप, इसको मुझे साफ़ कराना है। ठीक है, ये 4 साल से भाई साफ़ नहीं हुआ है। आई डोंट नो इसके अंदर कितना धूल होगा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा हीट भी होता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा साफ़ करा लेना चाहिए इसको, धूल हो सकती है। और एक ये लैपटॉप है जिसका मुझे हैंज ठीक कराना है, मेरे दोस्त का लैपटॉप है। तो ये मैं दोनों लेकर जा रहा हूँ सेक्टर 18, और वहाँ देखते हैं कोई लैपटॉप की दुकान पर ऐसे रिपेयर कराते हैं। तो इसके बाद मैं आप सभी को मिलता हूँ बाइक पर। तो दोस्तों अपन आ चुके हैं बाइक पे, कर लिया ऐसे कोल्ड स्टार्ट, तो थोड़ा भागेगी तो मज़ा आएगा। ज़्यादा टाइम नहीं किया तो देखते हैं थोड़ा, अभी तो आराम से चला रहा हूँ। तो अब मैं निकल रहा हूँ 18 के लिए। तो सीन ये है, बात ये है कि भाई लैपटॉप का क्या है कि थोड़ा सा हीट हो रहा है। जब से एप्पल ने ना M1 वाली लैपटॉप निकाल दी है ना, मैंने जो लिया था, मैंने अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में लिया था मैकबुक प्रो, लड़ लड़के घर पर, लड़ लड़के क्या मतलब ऐसे जिद करके मम्मी से कि भैया मैकबुक प्रो दिला दो मुझे। और उस टाइम पे मैं बाइक ले रहा था Apache 180, तो वो नहीं ली मैंने, उसका पैसा भी लैपटॉप में ही डाल दिया, क्योंकि भाई लोग बोलेंगे इतना महंगा लैपटॉप, तो मैंने मैकबुक प्रो लिया था। अब कट टू 4 ईयर्स, ठीक है 4 ईयर्स भी नहीं, मतलब उसके 1 साल बाद ही एप्पल ने M1 लॉन्च कर दिया। शुरू में तो दिक्कत नहीं होती थी इस लैपटॉप में, बट रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ, तो जब से M1 लॉन्च हुआ है ना, तब से ना एप्लीकेशन का जो साइज़ है वो बहुत बढ़ गया है। तो एप्लीकेशन का साइज़ बढ़ गया ना, उसकी वजह से ना ये लैपटॉप उतना पावरफुल नहीं रहा। तो बेसिकली एक हिसाब से एप्पल ने अपने यूज़र्स का काट दिया है भाई, मतलब एक हिसाब से फोर्स कर रहे हैं कि तुम अपग्रेड करो, क्योंकि अब जब तुम्हारा लैपटॉप फास्ट ही नहीं रहेगा और जो चीज़ें बहुत आराम से कर लेता था उनमें भी उसे दिक्कत होगी। तो भाई ठीक है, एक चीज़ तो है। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई मुझे लगता है 4 साल से साफ़ नहीं हुआ है, और अपने यहाँ नहीं इतनी साफ़ सफाई होती है। ठीक है, धूल अपने यहाँ होती ही होती है, रूम्स में धूल होती है। वैसे मैं बहुत केयर से रखता हूँ उसे, लेकिन फिर भी हो सकता है इसमें धूल चली गई हो, तो मैं एक बार अपनी संतुष्टि के लिए इसे साफ़ करा ले रहा हूँ। तो एक बार जब मेरा लैपटॉप साफ़ हो जाएगा तो हो सकता है कि थोड़ी सी सही परफॉर्मेंस दे दे। ठीक है, दूसरा एक दोस्त का लैपटॉप है, उसका हिंज कराना है, वो एकदम उसको ऐसा रखो वो इसकी डिस्प्ले ऐसी पलट जाती है, तो इसलिए हम जा रहे हैं सेक्टर 18। हाँ, अगर सेक्टर 18 में मेरा लैपटॉप नहीं हुआ सही, ठीक है, वैसे तो यार उसे खोल के साफ़ ही करना बहुत बड़ी बात नहीं है, कर तो मैं भी कर सकता हूँ ऐसे ही, 1000-1500 के टूल किट मुझे लेनी पड़ेगी जो कि परमानेंट काम आएगी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, दिक्कत ये है ना कि कर तो मैं सकता हूँ ऐसे, तो मैंने मेरे पास डेल का लैपटॉप था एक, मैंने पूरा वो पानी में भीग चुका था, एक दो बार पानी भीगा था, मैंने उसे एक दो बार पूरा ही खोला, एक एक नंग बुर्जा खोल दिया उसका। लेकिन भाई मैं एप्पल वाले में हीरो नहीं बनूंगा, क्योंकि अगर इसमें कुछ दिक्कत हुई तो सीधा 30-40 हज़ार ऐसे ठुकेंगे चुटकी बजा के, मतलब ऐसे सांस भी नहीं लेगा, ऐसे चुटकी बजा के 30-40 हज़ार घुस जाएंगे। तो इतना पैसा नहीं है, कॉन्फिडेंस जब अच्छा लगता है वैसे। मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में भी काफ़ी मुझे बातें आती हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट भी है। लेकिन मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को मैंने वीडियोस भी देखे कि इसको कैसे खोलना है, खोलना आसान है, बट यार मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि यार मेरे सर पे फटेगा वो। दुकान पे कराऊंगा तो भाई दुकान वाली गलती है, वो समझेगा कुछ दिक्कत होगी तो। मज़ा आ गया भाई, आज तो सही यार, आज मौसम भी बहुत बढ़िया है, कितना बढ़िया मौसम है आज यार। ये क्या बोलते हैं, हल्की हल्की भीनी भीनी सी धूप निकली है, राइडिंग का मौसम है, मस्त कहीं राइड करना चाहिए यार। मेरे को दोस्त मिलता है, मुझे राइडिंग का कोई ग्रुप नहीं मिल रहा है। अगर कोई बंदा नोएडा में दिल्ली में राइड करता हो भाई, कमेंट करे, मैं राइडिंग ग्रुप ज्वाइन करूँगा, और अपना भी ग्रुप बनाएंगे अगर बनेगा तो। थोड़े से ना यार क्या बताऊँ कि इतना टाइम नहीं मिल पाता है चीज़ें करने का। बड़ा लो भैया फॉर्चुनर, जगह दे दो भैया ने करने की, फॉर्चुनर वाले भाई गुस्सा ना जाएगा चल ले, मैं जब बेली तो पीछे से सॉरी, उसे गाली निकल जाती है कभी कभी, इंजीनियर हूँ, कोई बात नहीं, मैं ऐसे काटने की कोशिश नहीं करूँगा, कभी कभी इमोशन तो बाहर आने चाहिए। आउडी
निकालो भाई I-20, मुझे भी निकालनी है आगे। ओह इस हाईवे पे तो मजा आया था यार। भैया कंफ्यूज थे गाड़ी वाले कि लेफ्ट जाए कि राइट जाए, ब्रेक लेके लेफ्ट ले लेते, हद कर दे यार। यार तो निकालो, इतना पीछे थोड़ी चलानी चाहिए बाइक, बाइक नहीं कार। हाँ तो भाई जिन्हें नहीं पता है, एक चीज़ और बता देता हूँ कि भाई मैं अपने डिसाइड कराया है कि अपनी चैनल पे एक ब्लॉग बुंदेलखंडी में और एक जेनेरिक हिंदी, जो कि हमारी मूवीज में बोली जाती है, नॉर्मल हिंदी जो आप ऑफिस में बोलते हो और किसी से बात करते बोलते हो, तहजीब वाली हिंदी वो उसमें करेंगे अपन बात, ठीक है। तो अभी अपनी नॉर्मल हिंदी चल रही है, और इसके पहले एक ब्लॉग डाला था उसमें मिलेगी आपको भैया बुंदेलखंडी, ठीक है। तो भाई दोनों ही लोग हमारे समाज के जुड़े रहे हमसे, क्योंकि हमारे यहाँ के भी लोग वीडियो देखते हैं, हालांकि व्यूज़ कम आ रहे हैं उसमें, गलती मेरी ही है, तो मैंने थोड़ी दिनों बाद वीडियो डाली है, घर ये हेलमेट वेलमेट ले जाना भूल गया था मैं, लेकिन कोई नहीं, हट जाइए ज़रा निकल दियो। अरे एक्टिवा वाले भैया सो रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, अब हाथ दे रहे हो, बताओ इंडिकेटर बना देते यार, हाथ दे रहे हैं, रिकॉर्ड भी हो रहा है यार, कभी कभी लगता है कि भाई रिकॉर्ड नहीं हो रहा, कहीं सारी मेहनत पानी में चली जाए। अरे भैया अरे भैया अरे भैया, हाय हाय, एक्सीडेंट होते होते बचा भाई, ये तो भाई जलवा है भाई रिक्शा वालों का जलवा, ये नहीं नहीं देखते भाई, देखो ये देखो ये देखो ये देखो भाई, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ई रिक्शा यार बैड वेरी बैड, बहुत कॉन्फिडेंस है भाई रिक्शा वालों को, सस्पेंशन नहीं है ई रिक्शा में, सस्पेंशन नहीं होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत है। यहीं से मोड़ लेता हूँ, ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है। तो ये सेक्टर 18 हम आ चुके, और ये सामने 5R310 आती हुई भाई हमको घूरते हुए, ये इसने क्या मोटर ब्लॉगिंग के लिए लगा रखा है कैमरा, हाँ जी लगा रखा है। सब्सक्राइब टू सॉल्ट कैन, चैनल का नाम चेंज करने सोच रहा था, पहले मुझे कुछ आइडिया नहीं था तो मैंने सॉल्ट कैन रख दिया था, बट अब लोग जानने लगे हैं चैनल को। जगह कहाँ है, हट रही है कोई बाइक, हटा रहे हो भाई, सुनो भाई अनलॉक रखना है इसे, भाई इंडिकेटर का ध्यान देना, ये अगर गया तो मेरी किडनी जाएगी, ठीक है भाई, ये वेंचर बहुत महंगा है। हाँ हाँ टाइम लगेगा भाई, लॉक कर दूँ, ठीक है अनलॉक है, देखना नहीं कोई ले जाए गाड़ी, पहले मैं पूछता हूँ इधर इधर इस दुकान पे, मैंने आईफोन से ही कराया था, एक आईफोन 10S मिनी की डिस्प्ले डलाई थी भाई एक बंदे की, तो मैं इधर वाली दुकान में जाके पहले पूछ लेता हूँ कि क्या सीन है, ठीक है। तो इधर देखते हैं कि अगर लैपटॉप रिपेयर करते हो तो, देखो लिखा तो है मोबाइल लैपटॉप रिपेयर, तो भाई यहीं करा लेंगे, यहीं करा लेंगे, चलो यही भैया जाके बात करते हैं। पुल लो भाई पुल कर ले, तो भाई भैया ने खोल दिया ऑलमोस्ट लैपटॉप, और ये बड़ा भैया ताम झामे से खोलने में, और ज़्यादा धूल है नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, छोटे छोटे कण हैं धूल के, जो कि अच्छी बात है। कोई डस्ट ब्लोअर नहीं है आपके पास है, तो भाई ये बढ़िया बात हुई, ज़्यादा कण नहीं है, और देख लो भाई ऐसा दिखता है अभी तरह से मैं, ठीक है, तो चलो ये अच्छी बात है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये होने के बाद इसका हिंजी भी करा लेते हैं। तो भाई ये बहुत गंदा था, स्पीड अच्छी, चलो एटलीस्ट ये काम तो हो ही गया भाई, पैसे 400 रुपये ले रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब खोलने की हमारी हिम्मत नहीं थी तो भैया को देने पड़ेंगे पैसे, चलो एटलीस्ट ये क्लीन हो गया, वो ठीक है। बढ़ाओ यार ग्लोस्टर वाले हैं, हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कब गाड़ी बढ़ेगी,
इनका डिसीजन भैया मोड़ लो, लेफ्ट मोड़ोगे राइट मोड़ोगे, ऐसे ऐसे टायर घुमा रहे हो, कभी लेफ्ट कभी राइट है, तुमसे तो बढ़िया भाई जिनके पास अल्टो होती है वो जाना सही है। ओहो यहाँ है थोड़ा सा झटका, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा स्टैंड करना पड़ेगा। हाँ निकले झटके से बाहर। फ्यूल बचा है, ठंडी फ्यूल भराना पड़ेगा मुझे, लेकिन एकदम दौड़ते हो जाएगी गाड़ी भाई। कार वाले भाई को भी जोश आ चुका है, क्या नाम है भाई ये गाड़ी का, इनोवा। ओ इनोवा ऐसी आ गई है, ऊंची कर दी भाई इनोवा है, बड़ा यार बढ़ाओ, राइट मुड़ने वाला था। मरे मरे चल रहा है, नई गाड़ी होगी भाई की, इतना डर डर के चल रहा है भाई कहीं ठुक ना जाए। डर के मारे ठुक जाएगी भाई, डर के मारे चलाओ कंट्रोल में। हालांकि मेरी भी हाल यही थी, मेरा भी यही हालत था, लेकिन इतना भी नहीं था कि भाई एकदम 10 की स्पीड में चलूँ मैं। हालांकि मेरा हाल ऐसा ही था कि मैं थोड़ा स्लो चला रहा था शुरुआत में जब मैंने ली थी बाइक। आप जब आप नई बाइक खरीदते हो ना तो आपका बाइक के साथ ना बॉन्ड बनता है, और वो बॉन्ड फॉर्म होने तक अगर आपने कोई लुकबाजी बोलते हैं भाई बुंदेलखंडी में कि लुकबाजी फैला दी, तो ठीक है लुकबाजी कर दी, लुकबाजी, तो वो बॉन्ड फॉर्म होने के पहले तुम्हें चुल मच गई ना कि भाई भगाना है, तो भाई फिर तुम्हारा बाइक साथ नहीं देती है, क्योंकि तुम्हें वो कंट्रोल, समझ रहे हो, कोई लिविंग बीइंग नहीं है बाइक, बट मेरे लिए लिविंग बीइंग के बराबर ही है। तो वो जो बॉन्ड फॉर्म होता है ना उसके बाद तो भाई बाइक जो है सारों में चलती है, इसलिए वो बॉन्ड फॉर्म होने तक लुक से मत चलाओ। वो बंदा स्लो चला रहा था, सही चला रहा था, ऐसे ही चलानी चाहिए जब तक कि तुम्हारा बाइक के साथ बॉन्ड फॉर्म ना हो। भाई 630 का डाल दो, 30 पूरा अंदर नहीं जाएगा इसमें, ऐसे ही रहेगा बस। बजाज वालों ने बना दी ऐसी गाड़ी के उंगली ना करे कोई, पेटीएम ही करेंगे भाई, कैश तो ख़त्म हो गया। लैपटॉप सही कराने गया था, कह रहा हम तो कैश ही लेते हैं, हमने कहा ये ले लो, पता नहीं चलेगा भाई इनकम टैक्स वालों को कि कितना पैसा अंदर करा दुकान वाले ने। यार ये क्या हो गया, चलेगा आईफोन हैंग हो गया क्या? लो जी हाँ, तो एक बार बता देता हूँ कि जो लोग कैश लेते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट लोग हैं, ठीक है। वो पहले मैं ना हॉलीवुड मूवी देखा करता था, अब तो मूवी देखने का शौक छूट गया है, बट पहले ज़्यादा देखा करता था मूवीज़, बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों देखता था, बट हॉलीवुड में मैं देखता था कि भाई एक बंदे को अपना सामान किसी को, जैसे हीरो गया किसी के पास कि भाई ये कार बेच दे, नहीं बेच रहा वो, ठीक है जितने रुपए दे रहा है उससे अगर कम पैसे दे रहा है तो उसने कहा कि मतलब 10 लाख की कार बेच रहा हूँ, तो बोलेगा 8 लाख, या बोलेगा 7 लाख, 7 लाख की बेच दे, तो बोलेगा नहीं बेचूँगा, फिर बोल देगा ऑल कैश, कैश दूंगा, तो तुरंत बेच देता है। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये मतलब नौटंकी है क्या। भाई ये देखो पुरानी वाली थार, बस ये है गाड़ी जो है, बट इसके टायर बहुत ज़्यादा चौड़े करा रखे हैं इस भाई ने भी, थोड़े से पतले होते तो सही लगता, ओवर साइज टायर अच्छे नहीं लगते, मतलब देखने में अच्छे लगते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन भाई वो बात नहीं रहती, फिर गाड़ी का एवरेज निपट जाता है, और वो जो फ्लुएंसी है ना इंजन की, वो जो पावर है ना वो दिखती नहीं है, फिर ये चीज़ हो जाती है। हाँ मैं थार के टायर को छोड़ता हूँ,
बताता हूँ कि तो भाई वो इसलिए करते थे कि भाई ऑल कैश में इसलिए लेते थे क्योंकि भाई कैश सरकार की नज़र में नहीं आता है। अब तुम ये बताओ, दुकान मेरी भले ही है और जो रिपेयरिंग की शॉप है उसका क्या ही है कि मतलब कितने का सामान बेचोगे, कितने का रिपेयर करोगे, इसका तो कुछ मतलब लेखा जोखा तो है नहीं ना। तो अगर तुम कैश में लोगे ना तो तुम चाहे जो इनकम बता सकते हो सरकार को, अगर तुम ऑनलाइन लोगे बोलेगा तेरे अकाउंट में इतना पैसा जा रहा है, अब इसको जस्टिफाई कर। तो ये चीज़ है, ठीक है। ये बाइक अगर मैं कैश बेचूँगा तो किसी को क्या पता, ये सरकार को क्या पता मैंने 10 लाख की निकाली कि 2 लाख की निकाली, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, कभी कभी लोग ऐसा भी कर लेते हैं जो भागी समझदार होते हैं, जैसे कि अगर कैश नहीं ले पा रहे तो ये उनने तो आधा कुछ पैसे इधर कुछ पैसे उधर, तो समझ गए तुम सिस्टम कैश का सिस्टम क्या है। और बाकी ये चीज़ें भी एक दो चीज़ें ध्यान रखा करो, कभी भी दोस्तों किसी को पैसे भेज रहे हो 10-20-30 हज़ार तो ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मत करो, ठीक है, क्योंकि भाई तेरे अकाउंट में पैसा कहीं से आ रहा है तो सरकार को तुम क्या बताओगे भाई, वो कोई इनकम टैक्स वाला चेक करेगा, वो उसको क्या लगेगा भाई इधर से आ रहा है उसको लगेगा इनकम सोर्स। अगर तुम्हारा रेगुलर किसी को देना पैसा है, जैसे कोई दोस्त तुमसे पैसे मांगता रहता है भाई 10,000 रुपये दे दो, 10,000 रुपये दे दो, ये तुम जो रेगुलर पैसा मांगता रहता है तो उससे कैश में डील करो, ठीक है। एक बार को तुम पैसे निकाल कैश दे दोगे उसको, बोलोगे कैश ही लेके आए, उसमें उसका भी फ़ायदा तुम्हारा भी, ठीक। अब बाकी कोई इनकम टैक्स वाला हो बंदा, मतलब जो कोई सी ए वी ए हो तो बता दे। चलो भाई वीडियो यहीं तक थी, अपन लोग घर आ चुके हैं तो अपन लोग करते हैं वीडियो को यहीं कट ऑफ। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय दोस्त, और बताना आपको वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।